हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 22 दिसंबर को हमारा सेट 3 का मैथ का एग्जाम था, क्लास 10th का, जिसमें आपको बताया गया था कि आपका सेट 3 में सिलेबस रहने वाला है 8, 9, 10 एंड 15 चैप्टर। तो आज उन्हीं में से हमारे क्वेश्चंस आए हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे वो क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको डिटेल दी गई थी, आपको स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर, आपको बताया गया था कि जो टाइमिंग है वो 60 मिनट्स हैं पेपर की, टोटल मार्क्स आपको 20 मिलने वाले थे, और 1 to 9 जो क्वेश्चन थे आपके एक एक मार्क्स के थे, 10, 11, 12 जो है आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, और 13 जो क्वेश्चन था वो 5 मार्क्स का था। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। फर्स्ट में आपसे बोला गया है टेन ए की वैल्यू अगर 4/3 है तो आपको साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी थी। देखिए, आपको बताया गया है कि टेन ए हमारा होता है, टेन जो होता है वो होता है लंब बटे में आधार। जब भी आपको किसी भी त्रिकोण मिति का वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वेयर बराबर में लंब का स्क्वेयर प्लस में आधार का स्क्वेयर। तो देखिए, लंब और आधार हमें दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे 4 का स्क्वेयर प्लस में 3 का स्क्वेयर, तो ये आपके पास आता है 16 + 9, दैट इज 25। कर्ण आपके पास आ जाता है, दोनों तरफ अगर हम वर्गमूल लें तो कर्ण आता है हमारे पास 5, और हम जानते हैं कि साइन जो है ये होता है हमारा लंब बटे में कर्ण। तो देखिए, लंब आ रहा है हमारे पास 4 और कर्ण है हमारे पास 5, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 1 - 10 स्क्वेयर 45 डिग्री अपॉन में 1 + 10 स्क्वेयर 45 डिग्री। तो देखिए, आपको बताया गया है कि जो वैल्यू होती है 10 45 की वो होती है हमारे पास 1। टेबल आपको करवाई गई थी जब हमने एक्सरसाइज की, तो यहाँ से आप 10 45 के प्लेस पे रख सकते हैं 1, तो आप देखेंगे 0/2 आपके पास आता है जो कि होता है आपका 0, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आपको बोला गया है एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। देखिए, आपने एक वृत्त बनाया, बोला गया है कि क्यू बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई आपको दी है, स्पर्श रेखा की लंबाई दी है आपको 24 सेंटीमीटर, और क्यू से केंद्र की दूरी दी है हमें 25 सेंटीमीटर। देखिए, केंद्र को हम मान लेते हैं ओ और स्पर्श बिंदु को हम मान लेते हैं पी, तो यहाँ पर आपको क्यू से केंद्र की दूरी दी है 25 सेंटीमीटर। आपको ये बताना है कि त्रिज्या क्या होगी, तो देखिए ओपी जो है हमारी त्रिज्या है जिसको हम आर बोल देते हैं। तो हम जानते हैं कि परिधि पर बना जो कोण होता है वो 90 का होता है आपका, तो हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा 90 के सामने वाली भुजा आपकी होती है कर्ण, तो आप लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर में लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो यहाँ से देखिए, कर्ण हमारे पास आता है 25, यहाँ पर आपने लिखा क्यू पी का वर्ग प्लस में ओ पी का वर्ग, तो आप लिखेंगे 24 का स्क्वेयर प्लस में ओ पी स्क्वेयर। हमें ओ पी की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए 25 का आता है 625 और 24 का वर्ग आप जब लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो आप लिखेंगे 576, माइनस करने पे आपको ये वैल्यू मिलती है 49। तो देखिए, जब आप वर्गमूल करेंगे तो ओपी का मान आपको मिलता है 7। त्रिज्या कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे तो ओपी आपके पास आ जाता है 7 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है आपको 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी बिंदु पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू। देखिए, सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया, यहाँ पर आपको बोला गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या पी बिंदु पर स्पर्श रेखा आपकी है पी क्यू, ये हमने स्पर्श रेखा बना दी हमारी। ओ से होकर जाने वाली एक रेखा को बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलता है। देखिए, ओ से होकर जाने वाली रेखा क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू की जो दूरी है वो आती है 12 सेंटीमीटर। तो देखिए, पाइथागोरस इस्तेमाल करेंगे, आप लिख सकते हैं ओ क्यू का वर्ग बराबर में ओ पी का वर्ग प्लस में पी क्यू का वर्ग। ओ क्यू आपके पास है 12 सेंटीमीटर, ओ पी आपके पास है 5 सेंटीमीटर प्लस में क्यू पी क्यू का वर्ग, ये आता है 144 माइनस में 25 इक्वल में पी क्यू का वर्ग, तो आप लिखेंगे इसको 119 इक्वल टू पी क्यू स्क्वेयर। आपको पी क्यू की वैल्यू बतानी है तो आप रूट लेंगे, तो ये बनेगा रूट 119
इक्वल टू पी क्यू, सेंटीमीटर में आपको दिया हुआ था, इट मीन्स आपका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। आपको बताया गया था कि घटना की प्रायिकता जो है हमेशा जीरो से एक के बीच में होती है, तो देखिए नहीं होने की पूछा गया, आप ध्यान रखिएगा नहीं होने की पूछा गया है, तो माइनस की जो है वो कभी भी नहीं हो सकती, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। आपको बोला गया है सही और गलत आपको बताना है, टेन ए का मान हमेशा जीरो एक से कम होता है, तो देखिए टेन ए का मान आपको लिखवाया गया है जीरो, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। जीरो पर आपको होता है जीरो, 30 पर 1/√3, 45 पर 1, 60 पर √3 और 90 पर आपको लिखवाया गया है अपरिभाषित। तो देखिए इसने कहा है कि हमेशा एक से कम होता है, तो आप देखेंगे 60 पर वैल्यू जा रही है √3, यानी कि 1 point something वैल्यू आने वाली है, तो इसका मतलब ये कैसा हो गया आपका असत्य। नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि साइन क्यू का मान, क्यू की वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमारे पास साइन क्यू का मान बढ़ेगा, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर हमारे जो सिलेबस में बताया गया है वो 0 to 90 degree की बात की गई है। तो देखिए 0 पर होता है 0, 30 पर साइन की वैल्यू आती है 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर √3/2 और 90 पर होती है 1। तो देखिए जैसे जैसे हम एंगल बढ़ा रहे हैं तो 0 से 1 की तरफ वैल्यू जा रही है, तो इसका मतलब ये होगा सत्य। अगर हम बड़ी क्लासेस की बात करें तो हमारा जो क्यू का मान है जरूरी नहीं है क्यू बढ़ने के साथ साथ हमारा साइन का मान भी बढ़े, ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में 0 to 90 तक ही बोला गया है, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंग हमारा ये जो आंसर है वो सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया है एक वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। देखिए आपको बताया गया था वृत्त के अंदर अगर दो बिंदु पर कोई रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद करती है तो वो रेखा कहलाती है आपकी छेदक रेखा, जिसको हम बोलते हैं सीकेंट लाइन। इसी घटना के होने की प्लस में नहीं होने की प्रायिकता होती है। देखिए होने की और नहीं होने की प्रायिकता को अगर हम जोड़े तो वो इक्वल आती है 1 के, तो यहाँ आपको आंसर लिख के आना था 1। नेक्स्ट आपको सिद्ध करना था कि सीकेंट ए इंटू 1 - sin A इंटू सीकेंट ए प्लस टेन ए 1 के इक्वल आता है, तो देखिए हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, सीकेंट ए को हम लिख सकते हैं 1/cos A, 1 - sin A इंटू में आप सीकेंट को लिखेंगे 1/cos A प्लस में टेन होता आपका साइन ए अपॉन में कोस ए, इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे 1 - sin A/cos A इंटू में 1 + sin A/cos A। तो देखिए आपके पास जब आप ऊपर वाली वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आने वाला है 1 - sin² A और नीचे वाली वैल्यू आती है cos² A। तो आप किसी भी एक वैल्यू को चेंज कर ले, हम जानते हैं कि 1 - sin² A किसके बराबर होता है cos² A के, आप लिख देंगे यहाँ पर 1 - sin² A इक्वल होता है cos² A के, तो ये आता है इक्वल टू 1। ये था हमारा राइट हैंड साइड, यही आपको यहाँ पर प्रूव करना था। नेक्स्ट आपसे बोला गया है वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको वृत्त बनाना था और आपको बोला गया केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु। तो देखिए हमने एक बिंदु ए लिया है जो 5 सेंटीमीटर दूर स्थित है, इस बिंदु को हमने ओ माना और ए बिंदु हमें दूर दिया हुआ है और बोला गया है कि जो ए बिंदु से आपकी स्पर्श रेखा आपने खींची है इसकी लंबाई आ रही है 4 सेंटीमीटर, इस पॉइंट को हम टी नाम दे देते हैं। तो आपको बताना था कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा जो कोण है ओ टी ए ये हमारा होगा 90 डिग्री का। अगर ये 90 डिग्री का है तो आपका जो त्रिभुज है वो समकोण होगा, तो आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ टी ए में, आप लिखेंगे ओ ए का वर्ग बराबर में ओ टी का वर्ग प्लस में ए टी का वर्ग, तो ये आपके पास है 5 का स्क्वायर बराबर में ओ टी आपको यहाँ पे ज्ञात करना है, ए टी आपके पास है 4 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे 25 - 16। तो यहाँ से हमें मिलता है देखिए
ये आता आपके पास 9 सेंटीमीटर ओटी का वर्ग। तो आप इसको लिखेंगे, जब हम वर्गमूल लेंगे तो ये आएगा आपके पास ओटी इक्वल टू में 3 सेंटीमीटर। तो वृत्त की आपकी त्रिज्या होगी, यहाँ पर आप लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, एक बैग में 3 लाल गेंद और 5 काली गेंदे हैं। तो हम लिख लेते हैं, हमारे पास लाल गेंद है, बैग में लाल गेंद की संख्या 3 और काली गेंदों की संख्या आपके पास 5। तो कुल आपके पास गेंद हुई 5 + 3 = 8। अब आपको देखिए पहले भाग में क्या कहा गया है, लाल गेंद होने की प्रायिकता निकालें। तो आप लिखेंगे लाल गेंद की प्रायिकता। तो हम कैसे लिखते हैं इसको, पी, लाल गेंद होने की प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए लाल आपके पास कितनी आ रही है, 3, और कुल गेंद है हमारे पास 8। इसी तरह अगर हम सेकंड की बात करें तो देखिए लाल गेंद नहीं है, इसकी आपको प्रायिकता निकालनी है। तो देखिए लाल नहीं है तो कैसी गेंद होगी, वो आपकी ब्लैक। तो काली गेंद होने की प्रायिकता कितनी होगी, 5/8। देखिए आपको बोला गया है टावर जमीन पर लंबवत खड़ा है और टावर से बिंदु की दूरी आपको दी हुई है 15 मीटर और उन्नयन कोण टावर से के शीर्ष का उन्नयन कोण आपको दिया है 60 डिग्री। तो देखिए उन्नयन कोण बनता है जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो जो आंखों से हमारा कोण बनता है ऊपर वाली वस्तु पर, वो हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। तो यहाँ आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, इसको हम नाम दे देते हैं ABC। तो यहाँ जो आपने माना है, आपने लिखा है टावर की ऊंचाई आपने मानी है AB मीटर है, माना टावर की ऊंचाई है AB मीटर। CB टावर के पैर से दूरी है, पैर से जमीन पर एक बिंदु की दूरी है, और आपका जो कोण है ACB एक उन्नयन कोण है। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हल करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं B पर आपका कैसा कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है यहाँ पर, तो आप लिखेंगे ABC एक त्रिभुज है जो B पर समकोण है। और देखिए B पर समकोण है आपके पास, ये त्रिकोणमितीय अनुपात का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात से हम लिखेंगे इसको, आप लिख सकते हैं AB/BC। देखिए 90 के साथ सामने वाली भुजा आपकी कर्ण बनी है, 60 के सामने वाली आपकी लंब बनेगी, और 60 के साथ लगी हुई भुजा आपकी कहलाएगी आधार, संलग्न भुजा आपकी आधार कहलाएगी। तो देखिए AB/BC तो क्या बना आपका, लंब बटे में आधार, और लंब बटे आधार आपका क्या होता है 10, और एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। देखिए आप लिखेंगे AB/BC आपका है 15 मीटर, 10 60 पर वैल्यू होती है आपकी √3। तो यहाँ से AB आपके पास आ जाता है √3 × 15 मीटर। तो आप लिखेंगे टावर की ऊंचाई 15√3 मीटर है। नेक्स्ट था आपका, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। तो देखिए आप एक वृत्त बना लेंगे और आपको बोला गया है कि व्यास, मान लीजिए व्यास ये हो गया आपका, जो बीच में से लाइन आपकी जाती है केंद्र से होते हुए जाए और परिधि के 2 बिंदुओं पर मिले, ये आपने 2 रेखाएं बना दी व्यास के सिरों पर। तो इसको हम नाम दे देते हैं, ये आपका हम बोल देंगे AB रेखा, जो P बिंदु पर आपके पास है बनाई है आपने, और ये आपकी CD रेखा है जो वृत्त पर आपकी Q बिंदु पर मिल रही है, और केंद्र को हम मान लेंगे O। तो आप लिखेंगे यहाँ O को केंद्र मानकर आपने यहाँ पर क्या लिखा है, माना O वृत्त का केंद्र है और PQ वृत्त का व्यास है। और हमने यहाँ पर कौन कौन सी स्पर्श रेखाएं खींची है, माना AB और CD व्यास के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो देखिए आप लिख सकते हैं आपके ये जो कोण बने हुए हैं ये कितने कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे,
एकांतर कोण आप इनको बोल सकते हैं, तो आप लिखेंगे PQ लंब है आपकी AB के ऊपर और PQ आपकी लंब है CD के ऊपर। तो यहां से आप जो कोण आपको मिल रहा है APQ बराबर होगा आपका कोण PQD के। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि ये कैसे कोण आपके एकांतर कोण है, तो इसलिए हम यहां से लिख सकते हैं कि आपकी जो AB रेखा है ये समांतर है किसके? CD के। ये आपको यहां पर सिद्ध करना था। ये थे आपके 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए हुए थे, दो क्वेश्चन में से आपको एक करना था। बहुत ही आसान पेपर आपका आया था आज का। आई होप आप सभी ने अच्छे से किया होगा। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।